ठीक है देखो। हाँ तो पहले मुझे कुछ क्वेश्चन से जवाब दीजिए। जो डिवाइडिंग फेज है और नॉन डिवाइडिंग फेज है, ठीक है, नॉन डिवाइडिंग फेज है न्यूक्लियस के अंदर, अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं, ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइडिंग फेज में क्या शो करेगा और नॉन डिवाइडिंग फेज में क्या शो करेगा? अगर आपको नहीं है याद तो मैं बता देता हूँ। डिवाइडिंग फेज में उसके अंदर देखेंगे क्रोमोसोम्स, है ना, डिवाइडिंग फेज में क्रोमोसोम्स देखते हैं। डिवाइडिंग फेज का दूसरा नाम मैंने कल बताया था, इसको हम एम फेज बोलते हैं। बच्चों आवाज आ रही है क्लियर? यस ओके। सर, और यस नॉन, हाँ थैंक यू, और नॉन डिवाइडिंग फेज में इसमें बस एक, सर, सही बताया आपने, इसमें दिखेगा हमें क्रोमेटिन मटेरियल, मतलब एक डीएनए जिसके चारों तरफ ये लिपटे पड़े होंगे। और दूर से देखने में ऐसा लगेगा ये मॉडल जैसे कि बीड बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल है, ठीक है, ऐसा मैंने बताया था। तो नॉन डिवाइडिंग फेज में क्या दिखेगा हमें? तो डिवाइडिंग फेज में तो हमें दिखा है क्रोमोजोम और नॉन डिवाइडिंग फेज में हमें दिख रहा है क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल। है ना, क्रोमेटिन मटेरियल। अच्छा, क्रोमेटिन मटेरियल ही पैक होकर के क्रोमोसोम बनाता है, ये मैंने आपको बताया था। मतलब कि जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है और जैसे ही वो डिवाइड करने वाली होती है तभी वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सब बातें हैं जो मैंने आपको डिस्कस करी थी, और सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल, ठीक है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, और बाकी चीजें आप नोट्स में देख सकते हो। फिलहाल फंक्शन की मैं बात कर रहा था कि न्यूक्लियस कौन कौन से फंक्शन शो करता है। तो देखिए फंक्शंस, सबसे पहले तो कल मैंने आपको बताया था कि ये कंट्रोलर है, इट इज द कंट्रोलर, कंट्रोलर हाँ, ऑफ ऑफ द सेल और ऑफ सेल मैं को सेंड करता है, हाँ, थैंक यू, सेंडर होता हाँ, है। गुड गुड गुड, कंट्रोलर ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सेल। तो सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उन सब को ये कंट्रोल करता है। इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक सेल ली है, ठीक है, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। अगर आप किसी को पता है तो मुझे बताइए, मैंने बता रखा है स्कूल में। सर, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल हाँ रिएक्शन। हाँ 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 सही बोला आपने, तो सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन। तो ये मैं बोल सकता हूँ जितनी भी केमिकल रिएक्शन है ना, उन सभी को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं जो हमारे शरीर के अंदर चलती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सेल के अंदर भी वेरियस केमिकल प्रोसेसेस चलती हैं, लाइक ए प्लस बी आफ्टर दैट रिएक्शन सी, या फिर सी आफ्टर दैट रिएक्शन डी प्लस ई, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो जितने भी रिएक्शन है इन सबको मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। अच्छा, साइड में मैं आपको एक टॉपिक बताना चाहूंगा जो कि है एंजाइम, कि ये एंजाइम्स क्या होते हैं, ठीक है ना, एंजाइम्स क्या होते हैं। अगर देखो एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स को ना हम बायो कैटलिस्ट बोलते हैं, एंजाइम को हम बोलेंगे बायो कैटलिस्ट। अब ये कैटलिस्ट चलो क्या काम, बहाने को ऐड कर लो। एक मिनट, मैं मीटिंग को थोड़ी देर के लिए फिर से वो कर रहा हूँ, लॉक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अब बोल दो लोभानी को कि वो आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, कैटलिस्ट क्या काम करते हैं? कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। बस रिएक्शन जो कि पहले ज्यादा टाइम में हो रही थी उसको बस कम टाइम में कर देगी, ठीक है ना। तो एंजाइम बहुत ज्यादा जरूरी बन जाते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं तो मैंने बता दिया है। अब बायो कैटलिस्ट क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं लिविंग के अंदर। ओ सॉरी,
जो कि, हाँ जी, जो कि प्रेजेंट होते हैं लिविंग्स के अंदर, प्रेजेंट इन लिविंग्स। तो आपको ये पता चलिए कि बायोकैटलिस्ट क्या होते हैं, बता दोगे अगर मैं कभी पूछूं कि बायोकैटलिस्ट क्या होते हैं? समझाना। हाँ जी, समझाएंगे। फिलहाल जिन बच्चों ने सुना है अभी तक लेक्चर वो बता दीजिए मुझे, उनको पता चल गया बायोकैटलिस्ट क्या होते हैं? देखिए, कैटलिस्ट तो वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देंगे, मतलब कि जो जितनी भी रिएक्शन है उन सबको फास्ट कर देंगे बस, ठीक है? अब बायो कैटलिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, जो कि लिविंग के अंदर प्रेजेंट है। बायो मीन्स लिविंग, ठीक है ना? तो ऐसे कैटलिस्ट जो लिविंग के अंदर प्रेजेंट है उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, बायो कैटलिस्ट बोलेंगे। और बायो कैटलिस्ट को ही क्या बोलते हैं हम, एंजाइम्स बोलते हैं। एंजाइम्स क्या है, सर में आ गया? अच्छा, एंजाइम्स के बारे में एक और पॉइंट मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, एंजाइम्स के बारे में एक और पॉइंट है, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको याद रखिएगा कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। जितने भी एंजाइम्स है वो सब क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन ठीक है ना? प्रोटीन अच्छा, जितने भी एंजाइम्स है वो सब प्रोटीन है। और एंजाइम्स किस लिए जरूरी है, रिएक्शन के लिए। देखना चीजों को लिंक करना। अब जितने भी एंजाइम्स हैं वो सभी क्या है, प्रोटीन है। और सभी एंजाइम्स साइटो किसके लिए जरूरी हैं, रिएक्शन के लिए जरूरी है, ठीक है? अब मैं इस बात को बस प्रूफ कर रहा हूं, ये जो बात मैंने यहाँ कही है हवा में नहीं कही है, इसको हम प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो जीन है वो भी एक डीएनए है, और डीएनए न्यूक्लियस के पास मिलता है ना? यस हाँ, इससे एक प्रोसेस से एमआरएनए बनता है। एक प्रोसेस होती है जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाता है, मतलब कि एमआरएनए बन जाता है। इस प्रोसेस का नाम है, क्या नाम है बताओ बच्चों? पता नहीं है किसी को? इस प्रोसेस को, ट्रांसक्रिप्शन। ओके, सही बताया आपने, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना? इसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से जो ये डीएनए है, जिसको मैंने जीन बोला है, एक्चुअल में ये जीन भी क्या है, एक डीएनए ही है। डीएनए दो तरह का मिल रहा था, एक तो जीन और एक जंक डीएनए, ठीक है ना? फिर ये एमआरएनए से एक प्रोसेस और चलती है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन से क्या बनता है, ट्रांसलेशन से प्रोटीन। प्रोटीन गुड गुड गुड, ट्रांसलेशन से बनते हैं प्रोटीन। तो क्या मैं ये, अच्छा, और जितने भी एंजाइम्स वो सभी क्या है, प्रोटीन है। और प्रोटीन, जो भी प्रोटीन जरूरी है उस सब के बनाने के पीछे रेस्पॉन्सिबल कौन है ना? डीएनए रेस्पॉन्सिबल है। और डीएनए कहाँ मिलता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जितने भी प्रोटीन है जो बना रहा है इन सभी तरह के एंजाइम, उन सब का कंट्रोलर कौन है, किसकी वजह से बन रहा है ये सब डीएनए की वजह से बन रहा है, जीन की वजह से बन रहा है। और वो मिलता कहाँ पे, न्यूक्लियस में मिलता है। इसीलिए मैं ये बात बोल सकता हूँ कि जो ये न्यूक्लियस है ये क्या करता है, कंट्रोल करता है सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सेल की, है ना? हाँ, तो इसके लिए जो भी एंजाइम लग रहा होगा यहाँ पे जो भी एंजाइम लग रहा होगा, इसके लिए जो एंजाइम चाहिए इस रिएक्शन के लिए, या फिर इस रिएक्शन के लिए जो भी एंजाइम चाहिए, ये सब एंजाइम बनवाता कौन है, डीएनए डीएनए, है ना? और डीएनए कहाँ मिल रहा है, न्यूक्लियस के अंदर मिल रहा है। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे अल्टीमेटली कि न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोलर है किसका, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का, ठीक है ना? क्लियर है, सर में आ गया बच्चों यहां तक? सर। अभी आपने यस जब बताया था सेल में सर थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम्स थी तो हाँ, बताओ क्या प्रॉब्लम थी नेटवर्क प्रॉब्लम में, बताओ क्या समझ में नहीं आया, वो बता देते हैं। सर सेल के अंदर जो आपने मतलब ई बनाया वो किस लिए बनाया है। हाँ, एंजाइम्स, एंजाइम देखो, जैसे ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के होने के लिए भी किसी जरूरत पड़ेगी, किसी एंजाइम की जरूरत पड़ेगी,
इस रिएक्शन के लिए भी किसी एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। मैंने कोई भी एग्जाम्पल लिया पर्टिकुलर, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल मैंने सपोज कर लिया ऐसे, ठीक है, सर में आ गया। तो इन एंजाइम को कौन बनाएगा? जीन बनाएगा। और एंजाइम किस लिए जरूरी है? किसी भी रिएक्शन के लिए जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ एक्स्ट्रा बातें आप ले लीजिए, ठीक है। जितने भी एंजाइम है वो सभी प्रोटीन है, बट All proteins are not enzymes. All proteins are not enzymes. ठीक है। और एक और मैं ऐसा एक्सेप्शन बता रहा हूं आपको, जो कि एंजाइम तो है बट प्रोटीन भी नहीं है वो, ठीक है ना। तो एक एक्सेप्शन बता रहा हूं, तो एक एक्सेप्शन है, वो है राइबोसाइम। एक्सेप्शन है राइबोसाइम, ठीक ना, याद रखना, अभी से याद रखना, ये बहुत ही एक्स्ट्रा ज्ञान है आपके लिए। तो राइबोसाइम क्या है? राइबोसाइम एक ऐसा एंजाइम है, राइबोसाइम इज एन एंजाइम बट नॉट प्रोटीन, है ना, जो कि क्या yes, नहीं है, प्रोटीन नहीं है, क्लियर है ना। फिर ये है क्या, राइबोसाइम एक्चुअल में एक आरएनए है। क्या है? आरएनए। क्लियर है ना, सर में आगे। इतना ज्ञान काफी है, और मुझे नहीं लगता इतनी नॉलेज के बाद आप इंडिया में कभी भी किसी बच्चों से पीछे रह पाओगे नाइन्थ क्लास में, तो ठीक है ना, इतनी नॉलेज लेने के बाद। क्लियर है सर में आगे यहाँ तक? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो, और मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। सर ले लिया स्क्रीन शॉट। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। न्यूक्लियस के बारे में आपने एक फंक्शन को प्रूफ कर दिया यहाँ पे, और आप जान सकते हैं कि न्यूक्लियस इज द कंट्रोलर, और ये सेंड करता है मैसेज को कहाँ से कहाँ, न्यूक्लियस से बाहर, न्यूक्लियर पोर के थ्रू। कैसे कैसे सेंड करता है वो मैंने आपको बता दिया था ना, कि कैसे कैसे सेंड करता है। अभी और कुछ जान लेते हैं। अच्छा, किस स्ट्रक्चर के थ्रू सेंड करता है वो मैसेज को न्यूक्लियस के अंदर से बाहर? न्यूक्लियर पोर। हाँ, न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर बनता कैसे है सर? फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियर। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। ऐसे ही बच्चे चाहिए हमें क्लास में। न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस का एक और फंक्शन मैंने आपको बताया था कि हाँ, इसको जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। इसके पास क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या काम करता है? हाँ, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, है ना, माता पिता से उनके बच्चों में ट्रांसफर करता है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी। हाँ, अब देखो एक और चीज मैं बता रहा हूँ आपको, आपको याद रखनी है। आपने शायद पहले भी कभी पढ़ा हो, The difference between prokaryotic and eukaryotic cell. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, मैं आपको बता देता हूँ इनके बीच में डिफरेंस, ठीक है, मैं भी पढ़ा लूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल दो तरह की होती है, एक तो होती है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स, और एक यूकैरियोटिक सेल, एक होती है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। अच्छा, प्रो मींस होता है प्रिमिटिव, और कैरियो मींस होता है न्यूक्लियस। तो इनका पुराने टाइप का न्यूक्लियस है, जो पहले किसी, जो सबसे पहले लिविंग्स आए थे अर्थ पे, उनके अंदर जो न्यूक्लियस मिल रहा है। और यह है यू। यू मींस होता है ट्रू, यू मींस होता है ट्रू, और कैरियो मींस होता है न्यूक्लियस, ठीक है ना। प्रो मींस प्रिमिटिव, ठीक है। तो इनके पास पुराना न्यूक्लियस है, इनके पास नया न्यूक्लियस है। तो इस तरह से हमें बायोलॉजी पढ़नी है, एक एक वर्ड का मीनिंग जान के। लेकिन आप इनकी डेफिनेशन कैसे देंगे, आप इनकी डेफिनेशन किस तरह से देंगे वो सुन लीजिए। किसी को पता है इसकी डेफिनेशन? आपने पढ़ा होगा। यस सर, यस सर। बताइए प्रोकैरियोट की डेफिनेशन बताओ मुझे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हाँ, नहीं होती, वेल डेवलप्ड होती है, वेल डेवलप नहीं होती है, ठीक है ना।
तो न्यूक्लियस इज, याद रखना जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, न्यूक्लियस इज नॉट, ठीक है, न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड, इनका जो न्यूक्लियस है वो अच्छे से डिफाइन नहीं, मतलब उसको देख के कोई कह नहीं सकता है कि वो न्यूक्लियस है. क्यों नहीं है? बिकॉज इट डज नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हाँ कंटेन, या फिर हैव नॉट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. एनएम लिख दिया मैंने, एनएम का मीनिंग आप समझ सकते हो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. और इसका जो न्यूक्लियस है वो वेल और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूकैरियोट्स का. तो यूकैरियोट्स क्या होते हैं? जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. इसको मैं शॉर्ट में देता हूँ, इनके पास क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या है इनके अंदर प्रेजेंट है. आपको ये एलाबोरेटेड फॉर्म में लिखना अपने नोट्स में, ठीक है ना, समझ गए. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं. इनके अंदर सिर्फ एक ही क्रोमोसोम मिलेगा, इनके अंदर सिर्फ एक ही क्रोमोसोम मिलेगा, और इनके अंदर मैनी क्रोमोसोम्स मिल सकते हैं, ठीक है ना, इनके अंदर मैनी क्रोमोसोम्स मिल सकते हैं. अच्छा, हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं एक सेल में? सब 46 हाँ, 23 पेयर्स, सही बताया आपने. तो ये बताइए, 23 पेयर्स लेते हैं. हाँ, गुड गुड, बहुत अच्छी बात है. अच्छा, तो हम किस में आएंगे इस चीज को देखते हुए, हम किस में आएंगे, यूकैरियोट्स में आएंगे या प्रोकैरियोट्स में आएंगे? सर, यूकैरियोटिक में. यूकैरियोटिक में. गुड गुड गुड. अच्छा, इनके न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? इनके न्यूक्लियस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है ना. इनके न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, मतलब ये न्यूक्लियस जैसा है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है. अगर मैं ह्यूमेनॉइड बोलूं तो ह्यूमेनॉइड मतलब होगा ह्यूमन जैसा, ना कि ह्यूमन. क्लियर है? तो यह है न्यूक्लियोइड. और न्यूक्लियोइड इस तरह का दिखेगा, लाइक सर्कुलर डीएनए होगा इसके अंदर. इसका जो डीएनए होगा वो सर्कुलर होगा. यहाँ सर्कुलर से मतलब इस तरह के सर्कल से नहीं है, यहाँ सर्कुलर से मेरा मतलब क्लोज से है. इनका डीएनए कैसा होता है? क्लोज्ड होता है, मतलब जिसके एंड्स ना हो. क्लोज का मतलब जिनके क्या ना हो, फ्री एंड्स ना हो, ठीक है ना. और हमारा जो डीएनए है उसके क्या होते हैं, फ्री एंड्स होते हैं, एंड्स होते हैं, है ना, मतलब लीनियर टाइप का हम बोल सकते हैं. हमारा डीएनए कैसा है? लीनियर है. हमारा डीएनए कैसा है? लीनियर है. लीनियर है ना. और हमारे पास तो न्यूक्लियर मेमोरी मिलती है, और लीनियर है, इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास क्या प्रेजेंट है, फ्री एंड्स प्रेजेंट है अपने डीएनए में, ठीक है ना, फ्री एंड्स. क्लियर हुआ ये डिफरेंस? क्लियर हो गया? सब बता देंगे टाइम आने पर. यस सर. यस सर. एक और बात है यहाँ पे, मैं और जोड़ना चाहूंगा इसमें कुछ और पॉइंट्स जो कि आपको सुनने हैं. ये कुछ और पॉइंट्स मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूं. हाँ जी, सुने ध्यान से. इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज एब्सेंट होंगी. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो होंगी. अब ये ऑर्गेनल्स क्या है, मैंने आपको बताया था, मान के चलिए ये न्यूक्लियस है, अब मैंने इसको न्यूक्लियस बना दिया है, ठीक है. अच्छा, और ये सेल है, तो ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाएगी. और ये क्या है? ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या फिल होता है? साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म, तो इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है. इस साइटोप्लाज्म के अंदर हमें डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स दिखेंगी, कुछ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स. कोई कैसी स्ट्रक्चर दिखेगी, कोई कैसी स्ट्रक्चर दिखेगी? साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक सब्सटेंस दैट मेक्स. हाँ बच्चे, इतना क्यों चिल्ला रहे हो फिर, इतना तो नहीं चिल्लाना चाहिए, ठीक है.
अच्छा, तो ये जितनी भी डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब है अलग अलग, ठीक है ना, जितनी भी डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स मिल रही हैं, आप रटा मत करो, चीजों को समझा करो, जितनी भी डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स मिल रही हैं, इन साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म में जितनी भी डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स मिल रही हैं, इसी को हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं। कंपोनेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट विद इन साइटोप्लाज्म। मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं बहुत ज्यादा। अच्छा सुने, तो जितनी भी डिस्टिंग मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म के अंदर, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? उन्हीं को हम ऑर्गेनल्स बोलेंगे। बच्चे क्लास में नहीं रहना है तो मैं लीव कर दूंगा फिर आपको, ठीक है? आप अच्छी बात है, क्या बोले आप? सही, हमारी क्लास में नहीं है कोई भी सर, कर दो। कोमल सैनी है, कोमल तिवारी नहीं है सर। सर लीव करो, लीव जल्दी लीव कर दो मुझे, ठीक है? हमने भेज दिया उसको क्लास से, ठीक है? फिलहाल अब देखो, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होंगे, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होंगी? एब्सेंट होंगी, ठीक है? मतलब ऐसी ऑर्गेनल जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होंगी, और इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगी, क्लियर है? लास्ट पॉइंट अगर इसके बीच में अगर तुम लिखने के आओगे एग्जाम में तो वो होगा एग्जाम्पल्स, ठीक है? कि किसके अंदर ये मिलती है प्रोकैरियोट्स, अगर आपको कुछ एग्जाम्पल पता हो तो मुझे बताइए सर। प्रोकैरियोटिक में तो अमीबा, प्रोकैरियोट में अमीबा नहीं आएगा। देखो अमीबा मैंने इधर रखी, हाँ सही बताया आपने, ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन में, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया है, ठीक है? बैक्टीरिया हो गए हैं, ठीक है? माइकोप्लाज्मा हो गया है, माइकोप्लाज्मा, ये सब प्रोकैरियोट्स में आएंगे। इसमें आएंगे अमीबा आएगा, और मतलब बैक्टीरिया को छोड़ के जितने भी हैं फंजाई आ जाएंगे, ठीक है? फंजाई आ जाएगा, प्रोटोजोआ आ जाएगा, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। सर इसमें कैट्स, डॉग्स, हाँ वो सब आ जाएंगे, हाँ ह्यूमन आ जाएंगे, मैमल्स आ जाएंगे, ठीक है? अच्छा फिलहाल आप खुद सोचिए, अभी भी जो केस हुआ था, ये जो बच्ची थी पता नहीं क्या ही बोल रही थी कि निकाल दो सर क्लास से, और मन से चिल्ला के बोल रही थी, आपको इसका नाम पता है? नहीं सर, कोमल तिवारी के नाम से आया था वैसे सर, हमारी क्लास में आएगा। अच्छा क्लास में नहीं, ये शायद गलती से किसी और स्कूल की थी, चलो ठीक है, हो जाता है ऐसे ऑनलाइन क्लास में, चलो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। आपको जो मैंने पढ़ाया सर में आ गया, यहाँ तक कर दोगे एग्जाम में? यस सर। इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है वो आधा खत्म हो गया, ठीक है? ये चैप्टर आपका आधा खत्म हो चुका है, और बाकी का चैप्टर हम कल से स्टार्ट करेंगे, और मैं चाहता हूँ यहाँ तक की चीजें आप सभी को पता हो, ठीक है? सभी को पता होना चाहिए। साइटोप्लाज्म क्या है? एक फ्लूइड कंटेंट है जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर है ना, हाँ ओके। और पुरकिंज जो था, पुरकिंज के बारे में जानते, जब मैंने साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था, पुरकिंज ने क्या बताया था? पुरकिंज ने ये बताया था प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया था कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म इज साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है ना? प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में मिल रहा है, बीच में मिलता है, और जो न्यूक्लियस के अंदर मिलता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये दोनों टोटल मिलकर क्या बना देंगे? ये बना देंगे प्रोटोप्लाज्म, ठीक है? ये इतना प्रोटोप्लाज्म बॉडी में किस लिए यूज होता है? क्या प्रोटोप्लाज्म वर्ड बताइए क्या मतलब? हाँ किस लिए यूज होता है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। द टोटल फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट इन अ सेल, ये होगा टोटल फ्लूइड प्रेजेंट इन अ सेल, ठीक है ना? जितना भी टोटल फ्लूइड मिल रहा है
ठीक है ना, और साइटोप्लाज्म क्या है, एक फ्लूइड सब्सटेंस है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में मिल रहा है। और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, क्या बताया था कि कहां मिलता है प्रोटोप्लाज्म, देखो टोटल मतलब साइटोप्लाज्म जो होगा ये भी प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है और जो न्यूक्लियोप्लाज्म मिलेगा ये भी प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है, ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। ओके सर। तो ये आपके समझ में आ चुका है। और साइटोप्लाज्म के अंदर तरह तरह की ऑर्गेनल्स मिल रही हैं, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल भी मिलेंगी और नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल भी मिलेंगी। अब ये सब क्या है ये हम डिस्कस करेंगे कल, फिलहाल ये सब का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मतलब मैं भेज दूंगा, ठीक है। फिलहाल ऐसा पहली बार हुआ है क्लास में कि कोई दूसरे स्कूल का बच्चा हमारे इस क्लास में जुड़ गया है, पता नहीं कैसे जुड़ गया है, इसके बारे में मैं बात करूंगा सिस्टम से। दूसरे क्लास का नहीं है, कोई वैसे आया होगा। हाँ, कोई बच्चा आता है इस क्लास में। अच्छा, सर इस नाम से सुबह से सारी क्लास में आ गई है ये लड़की सारी क्लास में आ गई है, मैथ वाली में भी। सर लेकिन फालतू नहीं बोली, इसमें बोली है सर, बुरी तरह बोल रही थी। हाँ बुरी तरह, मतलब ऐसे चिल्ला चिल्ला के पता नहीं क्या ही हो गया, ऐसे थोड़ा जवाब देते हैं भाई, एकदम जेंटल तरीके से। कहीं से लगा रखा होगा। हाँ जी बताइए।